दोस्तों, जंगल का जीवन कठिन चुनौतियों से भरा हुआ होता है और इस चुनौतियों का सामना वही जीव कर पाता है जिनमें कठोर साहस और हिम्मत हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसे ही 5 निडर जानवरों के बारे में बात करते हैं जो बिना भयभीत हुए बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए जाने जाते हैं। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। दोस्तों, मगरमच्छ धरती के सबसे प्राचीन जीवों में से एक है। करोड़ों सालों से मगरमच्छों का वजूद धरती पर बने रहने का एक ही कारण है, वो है कि किसी जानवर द्वारा इनका शिकार ना कर पाना। एक वैश्यक मगरमच्छ का शिकार करना सभी शिकारी जानवरों के लिए लगभग असंभव सा कार्य है। वैश्यक मगर 20 फीट तक लंबा और वजन में 1000 किलो से भी ज्यादा भारी हो सकता है। साथ ही इसकी ऊपरी त्वचा काफी कठोर होती है जिसे काट पाना शेर जैसे जीवों के बस के बाहर की बात है। यही वजह है कि मगरमच्छ बेखौफ जीवन जीते हैं। चाहे कोई भी जीव हो, चाहे वो शिकारी जीव ही क्यों ना हो, उसे पानी पीने के लिए पानी के राजा मगरमच्छ के इलाके में आना ही पड़ता है और पानी में घुसने वाले हर जीव पर मगरमच्छ हमला कर देता है। यहाँ तक कि मगरमच्छ को हाथी जैसे विशाल जीव पर भी हमला करते हुए देखा गया है। भले ही मगरमच्छ पानी के बाहर बेहद ही सुस्त और धीमा हो, लेकिन पानी के अंदर मगरमच्छ की फुर्ती देखने लायक होती है। ये पानी पीने आए किसी भी जीव पर बिजली की गति से हमला कर देते हैं और उस जीव को पानी के अंदर घसीटकर मौत की नींद सुला देता है। मगरमच्छ के सिकंजे जैसे जबड़े और छुरी जैसे दांतों के बीच फंस चुके जीवों को शायद कोई भी नहीं बचा सकता। मगरमच्छ के काटने की शक्ति सभी स्थली जीवों में सबसे अधिक होती है। ये मगरमच्छ कछुए के कठोर खोल को भी मुलायम मक्खन के समान फोड़कर उसे पिचका देता है। जंगली भैंस। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप किसी कारण जंगल में फंस जाए तो आपको जंगली शेरों से ज्यादा जंगली भैंसों से दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि शेर तभी आप पर हमला करेगा जब वो भूखा होगा। लेकिन ये जंगली भैंस बिना किसी वजह के ही इंसानों पर हमला कर देती हैं। अफ्रीका के कई प्रांतों में जंगली भैंसों को काली मौत भी कहा जाता है, क्योंकि हर साल 200 लोग इसी जंगली भैंसों की वजह से मारे जाते हैं। इतनी संख्या में कोई भी अन्य जीव इंसानों की जान नहीं लेता। इन भैंसों की गर्दन की मांसपेशियां बेहद ही मजबूत होती हैं, जिनके दम पर जोरदार टक्कर मारकर ये अपने विरोधी को कई फीट ऊपर तक उछाल सकती है। साथ ही इनके पास बेहद नुकीले और मजबूत सींग होते हैं। इन सींगों के घातक वार से अक्सर ये एक दूसरे के जान भी ले लेते हैं। जंगली भैंस स्वभाव से ही बेहद ही जिद्दी और निडर होते हैं, इसलिए इन्हें अपने से कई बड़े जीवों हाथी, हिप्पो और गैंडों से भी लड़ते हुए देखा गया है। इनकी एक खासियत और भी है कि ये बड़े झुंडों में रहती है, इसलिए झुंड में इसकी ताकत और निडरता और भी बढ़ जाती है। शिकारी जीव अक्सर उन्हीं भैंसों पर हमला करते हैं जो बीमार हो या अपने झुंड से बिछड़ गई हो। भैंसों के भरे पूरे झुंड पर हमला कर देना कोई आसान बात नहीं है। यदि कोई जीव ऐसा करता है तो सारी की सारी भैंसे एक साथ मिलकर उस शिकारी जीव पर हमला बोल देती हैं और उसे मार मार कर उसकी हड्डियां तोड़ देती हैं। हिप्पोपोटामस। दोस्तों, हिप्पो प्रकृति की बेहद ही खुखार रचना है। ये हिप्पोपोटामस नदी या कीचड़ वाले तालाब में रहना पसंद करते हैं। ये अकेला ऐसा जीव है जो पानी में रहता भी है और मगरमच्छ से बैर भी रखता है। हिप्पो के 1.5 फीट लंबे दांत और 5 फीट तक खुल जाने लंबे मुंह को देखकर मगरमच्छ भी पीछे हटने में ही भलाई समझते हैं। हिप्पो इतना हिंसक होता है कि ये कई बार तो अपने बच्चों को ही मार देता है, और ये घटना एक बार नहीं बार बार देखी गई है। मादा को हथियाने के लिए नर हिप्पो के बीच होने वाली लड़ाइयाँ एक्शन हॉलीवुड फिल्म की तरह बेहद ही खून खराबे जैसी होती है। हिप्पो का शिकार करना किसी भी जीव के बस की बात नहीं है, किंतु फिर भी इनकी संख्या जंगल में नियंत्रण ही रहती है, क्योंकि ये खूंखार जीव खुद ही एक दूसरे को मारकर अपनी संख्या को नियंत्रण में रखते हैं। आमतौर पर पेट भरने के बाद हिप्पो अपने शरीर को कीचड़ में डुबोकर कीचड़ की शानदार खुशबू लेते हुए उसका आनंद लेकर सोते हैं। जैसे ही आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, आराम फरमाते इस हिप्पोपोटामस को मरा समझकर शेरनी खाने की कोशिश करती है। कोई और जीव होता तो शायद इस शेरनी को अपने सामने देखकर डर जाता, लेकिन इस हिप्पो ने तुरंत उठकर शेरनी पर ही हमला कर दिया। शेरनी खुद की जान बचाने के लिए भागने लगती है, लेकिन हिप्पो ने शेरनी के मुंह को अपने जबड़े में दबोचकर शेरनी के शरीर को मरोड़ देता है। हिप्पोपोटामस इंसानों पर हमला करने से भी परहेज नहीं करते। ये जंगल में गए इंसानों से लदी जीप
और चलती बोट आदि पर अचानक से हमला कर देते हैं। लकड़बग्घा। लकड़बग्घे बड़े बड़े झुंड बनाकर रहने वाले ऐसे जीव हैं जो खुद शिकार करने के बजाय दूसरों का शिकार छीनना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए जंगल में ज्यादातर शेरों, तेंदुओं और चीते जैसे माहिर शिकारी के इर्द गिर्द भटकते रहते हैं, ताकि इन शिकारियों द्वारा किए गए शिकार को ये लकड़बग्घे छीन सके। जाहिर है, तेंदुए और शेरों तक का शिकार छीनने के लिए बड़ा जिगर और निडरता होनी चाहिए, और ये दोनों खूबियां लकड़बग्घों में होती हैं। हालांकि एक अकेला लकड़बग्घा शेर या तेंदुए का अकेला मुकाबला किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता, लेकिन जब पूरा का पूरा झुंड एक होकर शेर या तेंदुए के सामने खड़ा हो तो भला इनको डरने की क्या जरूरत है। वहीं किसी चीते से तो अकेला लकड़बग्घा ही भिड़ जाता है और बड़ी मेहनत से किए गए शिकार को इनसे छीन लेता है। लकड़बग्घे के डर से ही तेंदुए जैसे जीव शिकार करने के बाद शिकार को पेड़ पर ले जाने की कोशिश करते हैं, ताकि भूखे लकड़बग्घों से अपने खाने को बचा सके। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लकड़बग्घे खुद से शिकार नहीं करते। जब शिकार छीनने का कोई भी अवसर प्राप्त नहीं होता तो ये खरगोश से लेकर बड़ी भैंसों तक का शिकार कर लेते हैं। ये अपने शिकार को मरने से पहले ही उसे जिंदा नोच नोच कर खाने लगते हैं। लकड़बग्घों के काटने की शक्ति शेरों से भी अधिक होती है, इसलिए ये किसी भी जीव को हड्डियों समेत चबा जाते हैं। जंगलों में लकड़बग्घों का महत्व बेहद ही अधिक है, क्योंकि ये मरे हुए जीवों को पूरी तरह खाकर जंगल की सफाई में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। आपको एक लाइक करने में सिर्फ एक सेकंड ही लगेगा। प्लीज दोस्तों, लाइक जरूर कर देना। हनी बेजर। दोस्तों, हनी बेजर एक ऐसा जीव है जो डरना या हार मानना जानता ही नहीं, इसलिए इसका नाम सबसे निडर जीवों में से एक होने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अमूमन एक छोटे कुत्ते के आकार का ये जीव अरब और अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। इस हनी बेजर को शहद खाना काफी पसंद है, इस वजह से इसका नाम हनी बेजर रखा गया है। वैसे तो दोस्तों, हनी बेजर को रैटल नाम से भी जाना जाता है। ये पल भर में ही शहद के छत्तों को उखाड़ फेंकता है। इसके बड़े बालों के कारण मधुमक्खियां इसे काट नहीं पाती। अगर मधुमक्खियां इसे किसी तरह काट भी लें तो भी हनी बेजर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम्स के कारण मधुमक्खियों का जहर इस पर बेअसर साबित होता है। बल्कि मधुमक्खी ही नहीं, सभी प्रकार के सांप, बिच्छू, अन्य जहरीले जीवों का जहर भी इस हनी बेजर पर कोई भी असर नहीं होता, इसलिए ये हनी बेजर सांपों को भी खाना बेहद ही पसंद करता है। हनी बेजर अपने इलाके में किसी की भी घुसपैठ बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर चाहे इसके सामने लकड़बग्घा, जंगली कुत्ता या तेंदुए जैसा कोई भी जीव हो, ये पूरी शक्ति के साथ अपने विरोधियों पर टूट पड़ता है। सिर्फ 15 किलो वजनी हनी बेजर को ना सिर्फ शेरों से लड़ते हुए बल्कि शेरों को खदेड़ते हुए भी देखा गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं हनी बेजर का सिर्फ एक जोड़ा शेरों के पूरे झुंड को अकेला ही खदेड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हनी बेजर के पंजे बेहद लंबे और मजबूत होते हैं, वहीं इनके दांत इतने नोकीले होते हैं कि ये मजबूत खोल वाले कछुओं को भी मार डालता है। हनी बेजर के शरीर में घावों को तेजी से भरने की अद्भुत क्षमता भी होती है, इस वजह से अगर ये गंभीर रूप से घायल भी हो जाए तो भी कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। आपको एक लाइक करने में सिर्फ एक सेकंड ही लगेगा। प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कर देना। दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेजोन के बारे में आपने तो सुना ही होगा। अमेजोन का जंगल हमारे पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेजोन के जंगल से ही आता है। ये अमेजोन का जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। अमेजोन के जंगल में 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ मौजूद हैं। ये पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है, यानी कि कई हिस्सों में सूरज की रोशनी जमीन तक पहुँच ही नहीं पाती है। दोस्तों, अमेजोन की नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि 4000 मील लंबी है। लेकिन अगर पानी के स्टोरेज की बात की जाए तो अमेजोन की नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। तो आज अमेजोन के जंगल में अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके के आदिवासी पाए जाते हैं। कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा नम्र भाव के होते हैं। जो नम्र भाव के आदिवासी होते हैं वह अमेजोन के जंगल के बाहरी हिस्से में रहते हैं, और वह हमारी दुनिया से कॉन्टेक्ट में भी है, और जल्दी ही बाहरी दुनिया से उनके अच्छे संबंध भी बने हैं। जब भी कोई टूरिस्ट इन्हें देखने जाता है तो यह अपने डांस से सभी टूरिस्ट को लुभा देते हैं। यह डांस ही नहीं, यह इनकी संस्कृति भी है।
यह अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको आदिवासियों के बारे में और कुछ भी जानना है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर देके जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।